नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मतलब कि फ़िलहाल अभी जिम को कुछ दिनों के लिए मतलब और पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मतलब कि मे बी पॉसिबल सरकार को ये लगता है कि मतलब कि जो हमारे जिम है, मतलब कि वहाँ से जो भी कोरोना के जो भी केसेस है, वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब वो जिम से ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मतलब कि फॉलो नहीं किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा मतलब कुछ प्रोसीजर निकाला गया है जिसे जिम को मतलब फेज 3 में रख दिया गया है कि मतलब कि जिम सबसे लास्ट में खुलेंगे। उससे पहले आपके मंदिर खोले जा सकते हैं, आपके मतलब ठेके खोले जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। क्योंकि ठेके अगर नहीं खुलेंगे तो जाहिर से बात है मतलब वो जो टैक्स है जो गवर्नमेंट को उससे मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। मंदिर से जो भी फंड आता है मतलब कि वो भी गवर्नमेंट को अगर ना मिल पाए तो जिससे मतलब लोग अगर घर पे ना, क्योंकि घर पे लोग पूजा पूजा पाठ कर नहीं पा रहे, उनको पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जिम में क्या होता है कि जिम में आप जाते हो, वहाँ पे आपको अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी होती है तो लोग वहाँ पे जिम जाते हैं। कोरोना के केसेस में देखा गया है कि मतलब कि सबसे मेन चीज़ जो है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो आपको कोरोना से आप लड़ सकते हो, उससे बच के निकल सकते हो। लेकिन ऐसा आप जिम में करते हो और जिम में आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी डाइट वैसी अच्छी होती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो सकता है अगर आप जिम जाते हो। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जिम में ये सब पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से क्या किया गया है कि मतलब जिम को अंतिम लास्ट 3 फेज़ में रखा गया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मतलब क्वेश्चन करना चाहता हूँ आई थिंक, और मैं अपने बिहाफ में काफ़ी मतलब अपने बिहाफ में काफ़ी लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं, जो मेरे तरह मतलब जो ट्रेनर है, मतलब कि जो जिम के मालिक है, जो मतलब जिम का रेंट दे रहे हैं। देखिए, कल कल परसों मतलब मेरे जो लैंडलॉर्ड है उनका मुझे मतलब मैसेज आया मतलब कि आप कब मुझे पैसे वैसे दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मतलब कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आप देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी वो गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका भी घर पार्ट जो भी है वो हमारे रेंट के थ्रू चलता है। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि 2 महीने के जो हमारे जो जिम बंद थे उनका जो रेंट है, या जो भी मतलब कि जो हम जैसे मतलब जो काफ़ी लोग होंगे, मतलब कि आई थिंक इंडिया में 25 से 30 हज़ार जिम होंगे, वहाँ पे अगर एवरेज भी अगर आप मान के चलो तो 8 से 10 लोग होंगे ही होंगे। कोई सफाई कर्मी है, कोई ट्रेनर्स है, ऑनर्स है, पार्टनरशिप है, बैंकिंग के लोन्स है, जो उन्होंने मोबाइल्स बाइक जो भी ले रखा है वो भी किस्ती पे है, लोन्स है, घर की जिम्मेवारी है, बच्चे हैं, खाना पीना खिलाना है, सब चीज़ करना है। आप खुद सोचो कि आप ठेके को खोल दे रहे हो, दारू की भट्टी को खोल दे रहे हो। दारू की भट्टी में मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कि वहाँ से आपको मतलब कौन सा बंदा ऐसा जुड़ा हुआ जो वहाँ तक भुखमरी से मतलब कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर रहा है। अगर दारू की दुकान इतने दिन से अगर नहीं खुले हुए थे तो आप उन घर में जाके पूछो, मतलब जो घर में मतलब कि डेली के खाने पीने वाले जो लोग हैं उनके घर में 2 महीने कितनी शांति थी। लेकिन अभी आपसे मतलब उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि आगे चल के मे बी पॉसिबल ये मतलब पोस्टपोन्ड ही हो जाए तो अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वहाँ से आपको मतलब पैसे आते हैं, गवर्नमेंट को एक मोटा रकम टैक्स जाता है। लेकिन हम जो जिम वाले लोग हैं, जो हमारी जो फेडरेशन, वो तो सरकार को किसी भी तरीके से टैक्स दे नहीं पाती है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मतलब जिम को मतलब सबसे लास्ट फेज में खोला गया है। मतलब आप मॉल्स को खोल दे रहे हो, रेस्टोरेंट को खोल दे रहे हो, मंदिरों को खोला जा रहा है। सोचिए, मंदिरों को खोल के, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो पूजा पाठ करते हैं मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मंदिरों को नहीं खोला जाए तब भी मतलब जो ज़िंदगी जो चल रही है वो चल सकती है। घर पे भी लोग पूजा पाठ करके रह सकते हैं, लेकिन हमारा क्या, जो जिम जाते हैं, जो जिम से रिलेट करते हैं, जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, कुछ दिन पहले मतलब आपने बोला था फिट इंडिया मिशन इंडिया, मतलब ये मतलब नारा लगा के रखा हुआ था, लेकिन आप मेन चीज़ को ही बंद करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोरोना के जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप हमको मतलब इन सब चीज़ों के लिए प्रिकॉशन दो ना। आप मतलब जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो आप हमें मतलब फॉलो करने के लिए बोलो कि मतलब कि आपने ये चीज़ करनी है, आपने ये चीज़ करनी है। अगर हम वो चीज़ अगर कैपेबल होंगे तो करेंगे, अगर नहीं कैपेबल होंगे तो नहीं करेंगे, तो जिम नहीं खोलेंगे। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप बात को समझो। देखिए, कुछ दिन मतलब कि 2 महीने पहले
15 का डोला हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में आई थिंक ये 12 और 13 सा रह गया है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि मैं घर वालों को खाने खिलाऊं कि मैं अपने मतलब डाइट के ऊपर खर्चा करूं। आपको भी मतलब सबको पता है कि मतलब जो जिम जाने वाले जो लोग होते हैं उनके डाइट के पीछे सबसे ज़्यादा खर्च हो जाता है। 4 से 5 हज़ार रुपये एक नॉर्मल फिजिक को मेंटेन करने के लिए लग जाता है। आपका प्रोटीन का खर्चा है, सप्लीमेंट है, चिकन है, फिश है, जो भी है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन वो चीज़ अब हम कहाँ से मेंटेन करें? और गाइस, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, जो भी जिम ऑनर से, जो भी ट्रेनर से, जो भी मतलब इससे रिलेट करते हैं, जो भी जिम जाने वाले लोग हैं, चाहे वो वेट लॉस करने वाला, फैट लॉस है, जो भी कोई सभी जो अगर जो भी मेंबर्स है, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 आप आवाज़ उठाओ। अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि चुप रह के कुछ नहीं होना जाना है। अगर आप चुप रहोगे तो सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ये आपने देख लिया है। हमारे जिम सेंटर को बंद करने का कोई तुक नहीं बनता है, मतलब कि इसका कोई रीज़न ही नहीं बनता है। आप अगर वैलिड रीज़न दोगे तो समझ में आता है। आप हमें प्रिकॉशन दो, आप हमें गाइडलाइंस करने को दो कि हाँ आपने सैनिटाइज़ करना है, जो अपने अपने जिम के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो उस तरीके से उसको मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। अगर वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर कुछ भी कर रहा होता है तो आप जाके मतलब कुछ भी उस पर कार्रवाई करो। लेकिन उसके लिए आप मतलब इस तरीके से मतलब आप मैं हाट बाज़ार जो होता है, मतलब जहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ मिलती है, बाज़ार जो होता है, वहाँ पे आप जाओगे, आप किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन कर रहा है, या फिर कोई भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है। कोई बंदा मास्क लगा के घूम रहा है या फिर ग्लव्स लगा के घूम रहा है, लेकिन जैसे जो मॉल्स वाले हो गए, जिम वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, वो शायद जितना प्रिकॉशन कर सकते हैं ना, आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री प्रिकॉशन नहीं करेगी, क्योंकि हमें खुद भी डर है यार, मरता क्या ना करता। हमारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, हम चाह के भी मतलब कि आज के डेट में अगर आपके रूल को फॉलो अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो वैसे भी मर रहे हैं और ऐसे भी मर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी ज़िंदगी मतलब दुश्वार हो गई, और लॉकडाउन अगर अगर जिम ना खुले तो वैसे भी हम मर जाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जितने भी हमारे मतलब जो फिटनेस बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, आइकन है, मतलब जिन्होंने 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करके रखा है, प्लीज़ आप भी हमारे लिए बोलो। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमारी जो बातें हैं वो 5-10 लोग सुनते हैं, लेकिन आप अगर इस चीज़ के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में मतलब प्रोटेस्ट करने आ जाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अगर हमारी तरफ से अगर कुछ भी बोल दोगे, मतलब कि जिम इंडियंस में क्यों बंद हो रहे हैं, तो आपके पीछे एटलीस्ट कम से कम इतने सारे लोग हैं, कुछ तो लोग सुनेंगे, कुछ तो लोग मतलब सरकार तक बात तो जाएगी, हमारी बातों को रिप्लाई तो दिया जाएगा। और जितने भी जो जिम्स के मालिक है, ऑनर्स है, मतलब कि जो भी मतलब जो ट्रेनर्स है, वो प्लीज़ आगे आए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो आप अपने प्लेटफॉर्म में कोई वीडियो बनाए, कुछ सोशल मीडिया का मतलब हेल्प ले, आप ज़मीन पे उतरे, आवाज़ उठाए, सड़क पे उतरे, जो करना है करो, लेकिन करना पड़ेगा गाइज, और हमें ही करना पड़ेगा, कोई तीसरा आके सुनने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है वो मतलब कि आए दिन अपने मतलब कि जो एक्सरसाइज के वीडियो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब में अपलोड करते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो मतलब ले दे के जो जिम्मी सहारा होता है, आप बोलते हो कि मतलब कि इस कठिन परिस्थिति में आप ये काम करो कि मतलब कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दो, आप अपने स्किल्स को बढ़ाओ। लेकिन आप मैं ये बताता हूँ, मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे बच्चों को मतलब 500 रुपये देने में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 इस तरीके के जो जिम है वहाँ पे आप बच्चे 100-200 देने में मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, उनको पैसे निकालने, कई बच्चे ट्यूशन मार के आते हैं, मतलब कि अपने पॉकेट खर्चे कहीं कहीं से मैनेज करके वो जिम आते हैं। और ऐसे में बताओ कि कौन बंदा हमसे मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस लेगा, और ऑनलाइन अगर क्लासेस लेगा भी तो हम उसको कहाँ पे मतलब कि ट्रेन करेंगे? घर पे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जिम हमारे बंद है। अगर 1 घंटा का मतलब जियो का पता है ना, 550 रुपये का पैक आता है, ठीक है, जिसमें से अगर 1 घंटा बंदा नेट में यूज़ कर देगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि जो आधी जो 1.5 GB का जो डाटा है उसके पास वो बचेगा। और घर पे किसी के पास इतनी जगह नहीं होता कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेगा हमारे से। सर ये दिल्ली बॉम्बे नहीं है, मेट्रो सिटी नहीं है। आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर को ये सोचना पड़ेगा कि मतलब इंडिया में 80% ऐसी जगह है जहाँ पे शायद नेट भी नहीं है, मोबाइल भी ढंग से चलता नहीं है, टावर नहीं है, फिर भी वहाँ जिम है, वहाँ पे कौन बंदा किससे ट्रेनिंग लेगा ऑनलाइन, आप ही बताओ। जब आप लोग इतने बड़े बड़े महारथी जब बैठे हुए, तो आप ट्रेनिंग जाहिर से बात है आज के डेट में आप ही से लेगा, क्योंकि हम तो गुमनाम है अभी।
तो आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो यूट्यूबर है वो आगे आए। मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो हमारे लिए मतलब हमेशा खड़ा रहता है, भूपेंद्र सिंह, जो कि द्रोणाचार्य चैनल से है यूट्यूब के। पिछली बार भी मैं दिल्ली में जब प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि जो जिम को मतलब बंद करने का सीलिंग का जो प्रोग्राम हुआ था, उस समय भी वही एक बंदा था जो आगे आके मतलब इन सारी चीज़ों के लिए मतलब अगेंस्ट में बोल रहा था गवर्नमेंट से। और आज की डेट में भी मैंने उनको ही देखा, और एक तरुण गिल जिसको सारी दुनिया मतलब गाली देती है, कुछ दिन पहले उनकी भी वीडियो मैंने देखा, वो भी हमारे तरफ से बोल रहे हैं। तो सर, आप लोग के पास जब मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो आप भी हमारे तरफ से बोलो यार। आप कहीं फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हो, फॉरेन कंट्री में आप वहाँ से कुछ भी बोल देते हो कि मतलब आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहिए, यूट्यूब शुरू करो, स्किल्स करो, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है। हम ऐसे बड़े मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग हम दे सके या फिर कोई भी फैसिलिटी मतलब हम लोगों को पहुँचा सके। ले दे के हमारे पास जिम है, यहाँ पे 100-200 उस तरह के जिम है, यहाँ पे कौन सा बंदा मतलब ट्रेनिंग लेगा आपसे? सेलिब्रिटी ने मतलब आप जो सेलिब्रिटी जो इतने सारे जो मतलब कि जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं क्यों, और हमें बोलते हैं कि स्टे होम, स्टे एक्सरसाइज, स्टे हेल्दी। हम कहाँ एक्सरसाइज करेंगे यार? आपके पास गार्डन है, आपके पास एक गैरेज है जहाँ पे आपका पर्सनल जिम है। हमारे पास तो 2 रूम का फ्लैट पड़ा हो, वहाँ पे भी इतने सारे लोग होते हैं। अब आप ही बताओ, घर पे हम किस मेंबर के सामने, किन घर वालों के सामने हम एक्सरसाइज करें? कोई बाल्टी उठा रहा है तो कोई बेड उठा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। बोलना बहुत आसान है सर जी कि आप होम वर्कआउट करो, होम वर्कआउट करना, लेकिन यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, होम वर्कआउट हम करें कहाँ? बाल्टी उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, तो मतलब घर वाले चिल्लाने पड़ते हैं कि मतलब ये पागल हो गया, मतलब 2 महीने अगर तू जिम नहीं करेगा तो कौन सा मतलब आफत आ जाएगी। लेकिन जो जिम नहीं जा रहे हैं, जो जिम नहीं कर रहे, आप उनसे पूछो जाके वो कितनी प्रॉब्लम में है। जहाँ पे जिस जिम में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, उस जगह को आप हेल्थ सेंटर, जहाँ पे मतलब लोगों के हेल्थ पे ध्यान जाता है, आप उनको बंद करो। आप प्रिकॉशन दो हमें कि आपको ये करना, वो सैनिटाइज, ग्लव्स, ये जो भी है वो हम कर लेंगे सर, हम बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीने हमने पहले लॉकडाउन में कुछ नहीं बोला, दूसरे लॉकडाउन में भी नहीं बोला, तीसरे में भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीज़ों को मतलब वैसे बंद करके रखा था, लेकिन आज की डेट में आपने ये खोल रखा है, वो खोल रखा है, और ये बंद कर रखा है, वो बंद कर रखा है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। दारू के ठेके आपने खोल दिए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप मंदिर को खोलने वाले हो, आप रेस्टोरेंट को खोलने वाले हो, लेकिन हमें फेज 3 में डाल दिया गया। अरे हम बैच बांध लेंगे सर जी, 5 से 10 लोगों का हम बैच बना लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, सैनिटाइज जो भी करना होगा वो हम कर लेंगे, ग्लव्स, जो भी प्रिकॉशन हमें लेना होगा, जो भी आप मतलब गाइडलाइन दोगे वो सब हम करने को तैयार है। लेकिन सर हमारे जिम खोल दो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेंट डे बाय डे भर कर रहा है। या तो आप सीधा सा बात है, आप हमारे जो रेंट है उसको माफ़ करवा दो। प्लीज़ गाय, प्लीज़, जितने भी जिम के ऑनर से मैं ये नहीं बोल रहा कि जितने भी बोकारो के बंदे हैं, झारखंड, बिहार, मतलब मुंबई, जो भी लोग हैं इस फील्ड में, प्लीज़ अब आपको आगे आना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, आपको आवाज़ उठाना होगा। अगर चुप रहोगे तो कुछ होना जाने है, चुप ही रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों तक बात पहुँचे। क्योंकि अगर फेज 3 में जिम खुलेंगे तो जाहिर सी बात है जुलाई तक का महीना आ जाएगा। 2 महीने जैसे तैसे हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने और सर्वाइव करना आई थिंक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। और काफ़ी लोग इससे मतलब कि सफ़र कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ। आज की डेट में 3 से 4 महीने का जो रेंट है वो मेरे माथे पे चढ़ गया है। जब भी जिम खुलेगा, जुलाई, अगस्त, जब भी, लेकिन वो रेंट मुझे देना होगा। या तो आप उसको माफ़ करवा दो, या हमारे लिए कोई और काम ढूंढवा दो, या कोई सा भी मतलब रास्ता निकलवा दो सर जी, या फिर गाइडलाइन दे दो, कुछ भी कर लो। लेकिन गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है, और जो भी फिटनेस यूट्यूबर है बड़े बड़े, आपसे भी मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप भी आगे आओ, और इस चीज़ के लिए आप हमारी तरफ से बोलो एटलीस्ट, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।